प्रगति नगर नाम के गांव में विनला नाम की एक महिला अपने बेटे राजू के साथ मिलकर रहती थी। जब से राजू के पिता की मौत हुई थी, तब से विनला ही उसकी हर तरह से परवरिश कर रही थी। ऐसे अपने बेटे को पालने के लिए और उसे पढ़ाने के लिए लोगों के घर जाकर वो जो भी काम देते थे चुपचाप वो काम कर लेती थी और ऐसे ही काम करते करते गांव गांव फिरती थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। गांव पहुँचने में और काफी समय लगेगा, तब तक हम कुछ खा लेते हैं ना माँ? राजू अभी छोटा था, इसीलिए वो जहाँ भी काम करने के लिए जाती थी उसे भी अपने साथ ले जाती थी। ठीक है कहकर वो दोनों खाने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। इतने में पता नहीं कहीं से उन्हें किसी के कांपने की आवाज आती है। माँ, किसी के रोने की आवाज आ रही है। नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं जाकर देख कर आती हूँ, तुम खाते रहो। ये कहते हुए उस शब्द का पीछा करते हुए जाती है वेनिला। राजू वहाँ बैठ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहाँ पर जाकर देखा तो एक पूरी तरह से खराब हुए घर में एक बूढ़ा आदमी लेटकर कांप रहा था। अयो, कौन हो आप और इस कांधा जैसे घर में क्या कर रहे हो? भूख, मुझे बहुत भूख लग रही है। पीछे से उन्हें देख रहा राजू भागकर जाकर वो जो अपने लिए खाने के लिए खाना लाए थे वो खाना लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। इसे लीजिए दादाजी, आपकी थोड़ी सी भूख कम होगी। गांव से इतनी दूर अकेले इस पुराने घर में रह रहे हैं, इसका मतलब इनका कोई नहीं है। तुमने ये खाना लाकर अच्छा किया बेटा, मैं घर पहुंचाते ही तुम्हारे लिए खाना बना कर दूंगी, ये सारा खाना उन्हें दे दो। अगर सच में इनका कोई नहीं है तो ये कल से क्या खाएंगे माँ? इन्हें अपना घर लेकर जाते हैं ना माँ? जितनी देर में ये दोनों चार शब्द बात कर रहे थे उतनी देर में वो बूढ़ा आदमी सारा खाना खा लेता है। अपने पास ही रहने के लिए घर नहीं है बेटा, इन्हें ले जाकर कहाँ रहेंगे? एक काम करते हैं, हम रोज यहीं पर आकर इन्हें खाना देकर जाते हैं, ठीक है ना? क्या मुझे रोज खाना लाकर दोगे? फिर से सोच लो बेटा, एक बार मुझे जुबान देती तो फिर पीछे नहीं हट सकती हो तुम। मैं कभी भी अपनी बात से नहीं मुकारती दादाजी, जब मैं आपको खाना लेकर दे सकती हूँ तब मैं लाकर देती रहूंगी। उनकी बात पूरी होने से पहले ही वो बूढ़ा आदमी एक बड़े से दानव में बदल जाता है। वो देखकर हैरान हो जाते हैं विनला और राजू। अब बताओ, तुमने मुझे रोज खाना लाकर देने का वादा किया था ना, कितना खाना लाकर दोगी? अपनी बात से मुकर गई तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपनी बात के मुताबिक तुम्हें खाना लाकर दूंगी। ये कहते हुए दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह विनला एक रेडी भर का खाना और करी लेकर जाती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो कि दानव है एक झटके में सारा खाना खा जाता है। अगले दिन सुबह घर में जितना भी चावल है सब पकाकर लेकर जाती है और बूढ़ा राक्षसी दानव वो खाना भी एक ही झटके में खा लेता है। माँ, उन बूढ़े दादाजी ने एक ही झटके में पूरे महीने का खाना खा लिया है, अब घर में चावल का एक भी दाना नहीं है, उन्हें अब क्या लेकर दे देंगे? मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के लिए और किसी को जुबान देने के बाद हमें अपने स्वाद के बारे में नहीं सोचना चाहिए बेटा। ये कहते हुए अगले दिन
एक टोकरी भरकर रोटियां बनाकर लेकर जाती है। उन रोटियों को भी एक ही झटके में खा लेता है वो बूढ़ा आदमी। क्या है ये रुका सुका खाना? अगर तुम मुझे मेरी पसंद का स्वादिष्ट खाना लाकर दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी बात से मुक्त करके आजाद कर दूंगा। वहाँ से घर लौटने के बाद वेनिला उसे ऐसा क्या बना कर दूं? ये सोचते हुए काफी परेशान होती है। तब राजू, माँ पानी पूरी वाला आया है, मैं खाकर आता हूँ, ठीक है ना? वो बातें सुनते ही वेनिला को एक बहुत ही अच्छा ख्याल आता है। ये बूढ़ा आदमी गांव बाहर खानदर जैसे घर में रहता है, इसका मतलब वो इस जमाने का तो नहीं हो सकता है, और उसे इस जमाने की पानी पूरी के बारे में तो हरगिज पता नहीं होगा। कल वही दूंगी उसे। ये कहते हुए बहुत सारी पानी पूरियां बनाकर उस बूढ़े आदमी के पास लेकर जाती है। वो पानी पूरी खाने के बाद उस बूढ़े आदमी को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो दोबारा से अपने इंसान रूप में आ जाता है। और उसके बाद, मैं अपनी इतनी लंबी जिंदगी में कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। मैंने तुम्हें इतना परेशान करने के बावजूद भी बड़े सब्र से तुमने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम में अपना घर दे रहा हूँ। आज से तुम इस घर में रह सकते हो। ये कहते ही वो खानदार जैसा घर एकदम में बहुत बड़े खूबसूरत घर में बदल जाता है। मुझे ये खाना बहुत पसंद आया है, इसीलिए तुम इस खाने के साथ अपना व्यापार करो। इससे तुम्हें घर के बाहर इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए एक मैजिकल पानी पूरी की मशीन बनाकर वो बूढ़ा आदमी उस लोगों को देता है। इससे खाना बनाने की तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बटन को एक बार दबाने से खाना अपने आप बन ले जाता है। अच्छे से व्यापार कर लो और दूसरे गरीब लोगों की भी मदद करना। ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। जब से वो उसी घर में रहते हुए उस पानी पूरी मशीन से निकलने वाले खाने से अच्छे से व्यापार करके पैसा कमाकर दूसरे गरीब लोगों को भी अच्छे से मदद कर रहे हैं।